हर आदमी का सपना होता है कि वो अपनी कमाई से खुद के लिए एक गाड़ी खरीदे। वैसे इंडिया की बात करें तो लोग यहाँ पर सेकेंड हैंड कार लेना भी पसंद करते हैं, और गाड़ियों की बढ़ती डिमांड के चलते ही इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, और ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। मतलब इसमें इतने सारे ऑप्शंस मौजूद है कि कॉमन आदमी से लेकर किसी बिलियनियर तक की पसंद का ख्याल रखा जाता है। और वैसे भी अपने यहाँ लोगों ने टाटा नैनो को पसंद किया है, तो लोग फरारी भी खरीदते हैं, है ना। और आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि कैसे आप अपनी खुद की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की। तो लगभग 3.5 मिलियन यूनिट्स बेचकर 2020 में ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट था, जिसमें कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल शामिल थे। साथ ही 2019 में कमर्शियल व्हीकल बनाने के मामले में इंडिया 7वीं पोजीशन पर था। 2020 में ही इंडिया में लगभग 30 लाख गाड़ियां बिकी है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम इंडियंस गाड़ियों के कितने ज्यादा शौकीन हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो भाई इसकी कई सारी वजह हैं, जैसे कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ड्राइवर की तरह काम करती है, और इंडियन जीडीपी में इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 7.1% का है। साथ ही ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक इंडिया दुनिया का 3rd largest ऑटोमोटिव मार्केट बनकर उभरेगा। और सबसे बेहतर चीज तो ये है कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देश की चारों दिशाओं में फैली हुई है, जैसे कि नॉर्थ में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, वेस्ट में मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, साउथ में चेन्नई, बेंगलुरु, होसर, और ईस्ट में जमशेदपुर और कोलकाता। तो आप देश के जिस किसी भी हिस्से में हैं, अपने नजदीकी शहर को टारगेट करके अपने बिजनेस को डेवलप करने की सोच सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप करना एक बहुत बड़ा टास्क है, इसीलिए इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो आप बिना किसी लोन या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की सोच सकते हैं। नहीं तो आपको लोन, गवर्नमेंट सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जहां से आपको इंडस्ट्री सेटअप करने की पूरी जानकारी मिल सकती है। साथ ही मेक इन इंडिया स्कीम के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी और फाइनेंशियल हेल्प अनाउंस करती रहती है। तो आपको मेक इन इंडिया की वेबसाइट से भी काफी यूजफुल जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो BMW, फियाट, फोर्ड, जनरल मोटर्स, होंडा, ह्यूंडई, किया मोटर्स, मर्सिडीज, निसान, पियाजियो, रेनॉल्ट, सुजुकी, टोयोटा, वॉक्सवैगन और वॉल्वो जैसी दुनिया की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के साथ ही इन्वेस्टर के तौर पर भी पैसा लगाती है। जहां तक बात रही कंपनी बनाने की, तो क्विक सपोर्ट ने कई बार आपको बताया है कि आप अपनी खुद की कंपनी कैसे बना सकते हैं। साथ ही हमने अलग से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का एक वीडियो भी डाला है, जिसे आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। या फिर आप YouTube पर अगर सर्च करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो सर्च रिजल्ट में क्विक सपोर्ट का वीडियो आपको दिख जाएगा। कंपनी बनाने के बाद आपको अपना प्रोडक्ट भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी कंपनी में किस तरह की गाड़ियां बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में लगभग हर तरह की गाड़ियां बनती है, जैसे पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, लग्जरी कार्स, सुपर बाइक्स, ऑटो, ट्रक, बस, ट्रैक्टर्स, लगभग सब कुछ। साथ ही इसमें भी आपको काम करना होगा कि लोग आपकी गाड़ियां क्यों खरीदेंगे। मतलब मार्केट में ऑलरेडी मारुति, सुजुकी, ह्यूंडई, टोयोटा, टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां मौजूद हैं। तो आपको अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए अपने कस्टमर्स को कुछ अलग और हटकर ऑफर करना होगा, जो उनकी जरूरत भी पूरी करे और उनके बजट में भी हो। मार्केट में कदम रखने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी कि लोग आजकल गाड़ी खरीदते समय क्या क्या फीचर्स और ऑफर्स ढूंढते हैं, और साथ ही जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको किन से कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, ये भी जानना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए आपको एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की जरूरत पड़ेगी, जो नए प्रोडक्ट बनाने, प्रोटोटाइप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियों के नए मॉडल तैयार करने, गाड़ियों को एडवांस बनाने और आपकी कंपनी की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने का काम करेगी। इसके लिए आपको इंडस्ट्री से ही हाईली ट्रेन्ड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे जानकर के आप हैरान रह जाएंगे कि एक कार में कम से कम 30,000 छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं, इसीलिए अगर आप अपनी कंपनी के लिए खुद ही ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगे, तो इससे आपकी कंपनी का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
इसीलिए ऐसी किसी कंपनी से टाई अप कर लीजिए जिनका काम ही मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की सप्लाई करना हो। आजकल वैसे भी ज्यादातर कंपनियां बाहर से ही अपने कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करती है, और अगर उनकी खुद की असेंबली लाइन है तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरी कंपनी में ही असेंबली का काम भी करवा लेती है। जैसे KTM मोटर्स इंडिया में अपनी बाइक्स की असेंबली बजाज से करवाता है, इससे अपनी असेंबली यूनिट भी नहीं लगवानी पड़ेगी और प्लांट के साथ साथ एक बड़े मैन पावर को मैनेज करने का झंझट भी नहीं रहेगा। जब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दुनिया आजकल जो दिखता है वो बिकता है पॉलिसी पर चलती है। इसीलिए आप अपनी खुद की मार्केटिंग टीम रख सकते हैं या फिर किसी मार्केटिंग कंपनी से एडवर्टीजमेंट और कैंपेन डिजाइन करवा सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आप टीवी, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल मीडिया, हर तरह के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। साथ ही देश और दुनिया के बड़े शहरों में होने वाले ऑटो एक्सपो में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इनके अलावा कई सारे न्यूज चैनल्स पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े शोज भी आते हैं, उनपे भी अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स को फीचर करवाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऑटोमोबाइल जैसी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हुए आपको कंपनी के लिए एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी बनवाना पड़ेगा। जाहिर है कि वो किसी मेट्रो सिटी में होना चाहिए, और वैसे भी ज्यादातर कार या ऑटोमोबाइल कंपनीज अपना कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई जैसे शहरों में रखती है, ताकि बिजनेस डेवलप करने और क्लाइंट्स को डील करने का काम आसान हो सके। और एक सबसे जरूरी बात, ऑटोमोबाइल कंपनी बनाते ही आपको बहुत सारा प्रॉफिट आने लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और कम से कम 5 से 10 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि कस्टमर्स का भरोसा जीतना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी है तो लोग आपकी गाड़ियां जरूर खरीदेंगे। जैसे अगर टेस्ला मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने स्टार्टअप के तौर पर ही $180 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, और अभी भी लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश में लगी हुई है। साथ ही हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो हमारी खुद की रिसर्च है, इसलिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च वर्क करना बिल्कुल ना भूले। इससे आप ही को फायदा होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आए दिन नई नई स्कीम और पॉलिसीज ला रही है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट कर रही है, जिसे टेस्ला ने इंडिया में खुद को एक सब्सिडियरी कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया है। साथ ही इंडिया में एडवांस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट $4.6 बिलियन का इंसेंटिव भी देगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि 2025 तक इंडिया को ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने भी कहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सस्ते दाम पर जमीन दी जाएगी और 24 घंटे नॉनस्टॉप पावर सप्लाई की सुविधा भी होगी। ये तो हुई बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप करने की। इसके अलावा भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ढेर सारे बिजनेस आइडियाज हैं जिनसे जुड़ करके आप पैसा कमा सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन बिजनेस है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का। सड़कों पर अगर गाड़ियां चल रही है तो वो बिगड़ती भी है, ऐसे में उनकी लाइफ तभी लंबी होती है जब उनमें ओरिजिनल और मजबूत स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं। इसीलिए अगर आप स्पेयर पार्ट्स का शोरूम खोलेंगे या डीलरशिप लेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसी भी कार कंपनी का ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन आप खोल सकते हैं तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे कार या बाइक ओनर होते हैं जो अपनी गाड़ियों को ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन पर ही ठीक करवाते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छी सर्विस मिलने का भरोसा रहता है। साथ ही किसी राह चलते गैराज के मुकाबले ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन में ट्रेंड और सर्टिफाइड मशीन्स की टीम काम करती है। तीसरा है कि अगर आप एक प्राउड कार या बाइक ओनर है तो आप जरूर अपनी गाड़ी का ख्याल रखते होंगे, मतलब गाड़ी को मेंटेन रखने के साथ साथ आप उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। तो जो लोग अपनी गाड़ी खुद नहीं धो पाते हैं या धोने का टाइम नहीं होता है तो वो कार वॉश के लिए दे देते हैं, और आजकल हर छोटे बड़े शहर में कार वॉश का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। आप भी इस बिजनेस में उतर सकते हैं। नंबर 4 पर है पहिए के आविष्कार को मानव सभ्यता के सबसे जरूरी आविष्कारों में से एक माना जाता है। अब गाड़ियां बिना पहिए के तो चलेगी नहीं, और यही पहिए आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं। मतलब आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो टायर का शोरूम खोल सकते हैं। इसमें भी आपको अपोलो, जेके टायर, सीएट, एमआरएफ जैसी बड़ी कंपनीज की डीलरशिप लेनी होगी। और नंबर 5 पर है कार एसेसरीज का बिजनेस। यानी कि हर कंट्री में कार एक लाइफस्टाइल स्टेटस और आइडेंटिटी होती है, इसीलिए लोग गाड़ियों को सजाने पर भी अच्छा खासा खर्चा करते हैं। तो अगर आप कार एसेसरीज का बिजनेस शुरू करेंगे तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा, बस आपको सही लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। मार्केट रिसर्च और कस्टमर्स की डिमांड का पता करके आप भी इस बिजनेस मॉडल से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो
तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर क्विक सपोर्ट का ये फुल केस स्टडी वीडियो, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और भी आपका कोई सवाल है या फिर किसी और टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं, ऐसा ही कोई फुल केस स्टडी वीडियो जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने आइडियाज अपने सजेशन जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आज जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, मोस्ट वेलकम है आपका क्विक सपोर्ट फैमिली में। ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ऑलरेडी आप लाइक कर चुके हैं, तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूले और आगे भी ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। तो उसके लिए आपको दो काम करने होंगे और बहुत ही छोटे से काम है। एक तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन कभी आप मिस ना करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।